अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम सुनो और आप देख रहे हैं एशियन के गेमिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो करने वाला हूँ सॉल्व। तो जिस चीज़ को नहीं पता, तो आपकी रिडीम कोड की प्रॉब्लम होती है, तो आप जब जैसे जाके रिडीम कोड लगाते हो ना, तो आपका रिडीम कोड लगता नहीं है, तो उस वजह से आपका रिडीम कोड हो जाता है मिस। तो उससे पहले हमारी गेम पे एक आया है इवेंट, तो इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसमें तो आप सभी को पता ही है कितना डायमंड आपके लगते हैं। वैसे वैसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दो, मैं ये निकाल के बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो ये चार चार, ठीक है, चार चार टोकन से एक्सचेंज होगी। आपको पता ही है कि एक स्पिन मारोगे 100 डायमंड का, तो आपको एक टोकन मिलेगा। 400 डायमंड में आपको चार टोकन मिलेंगे और चार टोकन से जाके आप ये एक शर्ट, ये जो भी जर्सी शर्ती है, इसको आप कर सकते हैं एक्सचेंज, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिडीम कोड के बारे में बता रहा हूँ, और इसी के साथ साथ यार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, तो सारे बंदे जाके मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी मुझे मैसेज जो करेगा ना, तो उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा, पहले मैंने बोला, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, 3-4 हज़ार मैसेज हैं। जितने वीडियो पे 200-300 कमेंट नहीं होते, उतने मैसेज आए होते हैं मुझे उधर, तो ये सीन होता है। तो ज्वाइन कर लेना, जैसे ही रिडीम कोड आएगा तो मैं आपको उधर दे दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि जो रिडीम कोड होता है ना, तो आप डालते हो ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी ये रिडीम कोड डाला है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि रीच लिमिट, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपके आपका जो कोड है ना, ये है सही, लेकिन इसकी जो लिमिट होगी कि ना, वो रीच हो चुकी है। तो जैसे 100 बंदों के लिए था, 200 के लिए था, 500 हज़ार के लिए था, तो ये लिमिट हो चुकी है रीच। तो बाद का सीन ये होता है ना कि आप कुछ गलत लिख देते हो, ठीक है, रिडीम कोड में कुछ गलत लिख देते हो। तो जैसा कि ये मैंने अभी लिखा, ठीक है, ये ठीक है, डज नॉट एक्सिस्ट इन यूर सिस्टम, मतलब कि रिडीम कोड को गलत आप रिडीम करते हो ना, तो फिर लिखा था डज नॉट एक्सिस्ट इन यूर सिस्टम, तो इसका सीन नहीं होता। उसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं ना कि जो रिडीम कोड होता है ना, तो आप अपने गिल के बंदों को दे देते हो। तो आज तक मैंने ना अपने गिल के बंदों को किसी को दिया ही नहीं रिडीम कोड, ठीक है। तो गिल से किसी से बंदे से भी पूछ लेना, जो रिडीम कोड होता है ना, वो सीधे सीधे मैं इधर वीडियोज में देता हूँ गिल के क्या बंदे के। मैंने आज तक अपने भाई या किसी और को भी नहीं दिए रिडीम कोड, ठीक है, किसी को भी नहीं दिए। तो जो रिडीम कोड होते हैं मैं सीधे सीधे इधर वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। दो सीन होते हैं रिडीम कोड के, एक आप उसको गलत लगाते हो, ये देख लो, जैसे कि ये अभी मैंने इसको सही यूज़ किया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट रीच चुकी है, तो फिर आपको पता चल जाए, ठीक है। तो उसी के साथ ये लिखा भी हुआ है नोट, ठीक है, ये जो एक्सपायर कोड होता है ना, तो उसके लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट इन योर सिस्टम, ठीक है, मतलब कि जब कोड एक्सपायर हो जाता है ना, तो वो सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये वाला जो कोड है ना, अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ, तो इसी वजह से इसको वो नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो फिर जो गेस्ट अकाउंट है, ठीक है, आप में से अगर किसी बंदे के पास गेस्ट अकाउंट है ना, उस पर आप अगर लगा रहे हो रिडीम कोड, तो गाइस जो आपका गेस्ट अकाउंट है उस पर रिडीम कोड नहीं लगने वाला। तो उसी के साथ साथ कल एक आने वाला है गाइस रिडीम कोड, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मेरा व्हाट्सअप का जो ग्रुप है आप ज्वाइन कर लो, जैसे ही वीडियो आएगी, जैसे ही मेरे पास आएगा वो, तो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो गाइस, बाकी मैंने अभी आपको सारा सिस्टम समझा दिया रिडीम कोड का, कि किस तरह इसको रिडीम करते हैं, क्या सीन होता है, और क्या लिखा था तो क्या सीन होता है, ठीक है। तो डाना से एग्जिस्ट का सिस्टम है कि आपने कोड लगाया, अगर रीच लिमिट हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोड होता है वो हो चुका है यूज़, ठीक है। ये दो तीन सीन ही होते हैं, और जो आपका गेस्ट अकाउंट है उस पर कोड नहीं लगेगा रिडीम कोड, ठीक है। तो ये 3-4 जो आपके मेन मसले होते हैं, तो जिसकी वजह से आप रिडीम कोड रिडीम नहीं कर पाते। तो जो रिडीम कोड होता है ना, उसको सही तरह से ना आप उसको यूज़ किया करो, सही तरह से देखा करो, क्योंकि जो रिडीम कोड होता है ना, उस पर अगर आप ज़रा सी गलती करोगे ना, जैसे कि उस दिन एक कोड आया था, कितने बंदों के लिए था, सिर्फ और सिर्फ 1000 बंदों के लिए था, ठीक है, 1000 बंदों के लिए था। और जैसे कि वो बंदे, आपको पता ही, पूरा पाकिस्तान सर्वर आ गया था रिडीम करने, उसको पूरा पाकिस्तान, मैंने देखा था काफ़ी बंदे आ गए, 1000-2000-3000 बंदे तो मेरी वीडियो से चले गए थे, तो बाकी तो उनका हिसाब ही नहीं है। तो इसी वजह से आपकी ज़रा सी गलती की वजह से ना आपका रिडीम कोड मिस हो जाता है, क्योंकि रिडीम कोड जो भी आता है ना न्यू, उसका इतना टाइम नहीं होता, टाइम तो बहुत होता है उसका, लेकिन जो होती है ना लिमिट, वो रीच हो जाती है, बंदे सारे उसके पीछे पड़े होते हैं, तो आप ज़रा सी गलती करते हो ना, तो इस वजह से आपका कोड हो जाता है मिस। तो अभी मैंने आपको दो तीन जो गलती होती है वो मैंने आपको बता दी है। तो अभी जो रिडीम कोड आएगा, जैसे कल मैं अभी डालूंगा रिडीम कोड, तो उसका फिर आपने गलती कोई भी नहीं करनी, जो जैसा आएगा ना उसी तरह आपने लिखना है, और लिख के आपने रिडीम कर लेना है। और उसी के साथ साथ गाइस, जो कल वाला जो रिडीम कोड है ना, तो वो उसका सीन ये होने वाला है कि वो होने वाला है पूरे 1,00,000 बंदों के लिए, पूरे 1,00,000, मतलब कि वो वाला जो कोड होने वाला है कल वाला, तो वो हर एक बंदा यूज़ कर सकता है, हर एक बंदे के लिए होने वाला। तो कल वाले कोड में आपको मसले परेशानी कोई भी नहीं है, आप जिस टाइम भी देखो वीडियो उस टाइम आप उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो वो वाला जो कोड है वो बस आप बेफिक्र होकर डालो, ठीक है, क्योंकि 1,00,000 बंदे 1-2 दिन में जाके पूरे होंगे, तो इतनी जल्दी कोई भी नहीं रिडीम करता। तो बस ये सीन है, वीडियो को
लाइक मार दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर पहली बार आ रहे हो। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।